ये ख़राब हो गई है। और ये मोटर आप देखेंगे, ये मैं आज लेकर के आया हूँ नया, ठीक है। तो इसके इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, ठीक है, ये भी देखना है हमें कि आखिर इसके अंदर क्या है और इसमें क्या है। इसको हम दोस्तों मल्टीमीटर से भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। मेरे पास एक क्लैंप मीटर है, मैं इससे आपको चेक करके दिखाऊंगा और इसके साथ आपको सीरीज से भी चेक करके दिखाऊंगा इन दोनों मोटरों को कि कैसे दोनों मोटरों को चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइट है तो भी, लाइट नहीं है तो आप क्लैंप मीटर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि मोटर ख़राब है कि शॉर्ट है कि क्या दिक्कत है इसके अंदर, क्यों स्पीड नहीं बना रही है। सबसे पहले दोस्तों हम इसको ख़राब वाली मोटर को चेक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले कोई भी मोटर आपके पास आती है रिपेयरिंग की है या आपने वॉशिंग मशीन चेक करने गए हैं, उस ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले आपको सीरीज में ज़रूर चेक करना है। जब तक आप सीरीज में चेक ना कर लें तब तक एक नियम बना लीजिए कि जब तक आप सीरीज में चेक नहीं कर लेंगे तब तक आपको उसके अंदर डायरेक्ट करंट नहीं लगाना है किसी भी तरह से, चाहे कोई कितना कहता रहे। पहले आप उसको कंफर्म कर लीजिए कि क्या इसके अंदर रेजिस्टेंस बन रहा है या नहीं, कहीं अंदर से यह शॉर्ट है कि नहीं। अगर अंदर से शॉर्ट होगी तो यहाँ पर स्पार्क बहुत तेज करेगा और आपको इससे चोट भी लग सकती है, तो इस बात का भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। पहले इसको सीरीज में ज़रूर चेक करें। चलिए इसको हम सीरीज में चेक करते हैं कहीं ये अंदर से शॉर्ट तो नहीं है, तो इसको हम इस तरह से चेक करेंगे। हमने 200 वाट का बल्ब लिया है, बल्ब पे भी ध्यान दीजिएगा। जब अभी देखें आप कि हमारा ये बल्ब फुल जल रहा है, ठीक है, अभी हमारा ये बल्ब फुल जल रहा है। इसके ऊपर लगाने पे इसका बल्ब की रोशनी जो है कुछ कम होनी चाहिए, अगर नहीं कम हो रही है तो इसका मतलब ये अंदर से पूरी तरह से शॉर्ट है और इसको हम लगाएंगे मेन लाइन तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, बहुत तेज इसका पटाखा उठेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको लगाते हैं, ये हमारी कॉमन की तार है, कॉमन को लेकर के उसके बाद हम एक दोनों पे लगाएंगे। देख सकते हैं आप बल्ब हमारा कुछ कम जल रहा है, इसके मुकाबले ये कम जल रहा है, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस बना रहा है। अभी दूसरी वायर को भी हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस बना रहा है कि नहीं, ये देखिए ये भी रेजिस्टेंस बना रहा है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, एक बार आप डायरेक्ट लगाएंगे और एक बार आप वायर के ऊपर लगाएंगे, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा जब बल्ब कम जलेगा तो आपका ये इसका मतलब रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। देखिए ये रेजिस्टेंस बन रहा है और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्ट हो गया है, तो अगर शॉर्ट होगा अंदर से तो ये डायरेक्ट हो जाएगा और ये बल्ब पूरा जलने लग जाएगा, और जब धीरे जल रहा है तो इसका मतलब अंदर से रेजिस्टेंस बना रहा है। इसमें हम मेन लाइन लगा सकते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा इसमें, ठीक है। अगर हमारी ये मोटर वाइंडिंग सही है तो हमारा जो सीरीज का बल्ब है 200 वाट का वो कैसे जलेगा, वो उसको कैसे ब्लिंक करना चाहिए, कितना तेज जलना चाहिए है। एक वायर को हम कॉमन पे लगाएंगे और एक लगाएंगे हम रनिंग के वायर पे, आप देख सकते हैं इस तरह से जल रही है ये, ठीक है, और ये हमारी डायरेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है प्रॉपर जितना बनना चाहिए। और इसके फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग पे लगाएंगे, स्टार्टिंग में थोड़ा रेजिस्टेंस ज़्यादा बनेगा, इसकी वजह से बल्ब आपका रनिंग के मुकाबले कम जलेगा, काफ़ी कम जलेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। और जब हम रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ओम चेक करेंगे इसके सीरीज से, तो आप देखेंगे बल्ब हमारा बहुत ही ज़्यादा कम जलेगा, देखिए देख रहे हैं कितना कम जल रहा है। रनिंग हमने जब इस तरह से लगाया तो थोड़ा ज़्यादा जल रहा है, और रनिंग पे लगाया तो थोड़ा ज़्यादा जल रहा है, स्टार्टिंग में लगाया तो थोड़ा ज़्यादा जल रहा है, लेकिन अभी जब हम रनिंग स्टार्टिंग दोनों को हम चेक करते हैं तो बहुत ही बारीक में कम होने ये जलने लग जाता है। लेकिन इसी में इस वाली मोटर के अंदर जब हम जलाते हैं, देखिए इसमें जब हम जलाते हैं तो बल्कि कितना तेज़ जल रहा है बल्ब, बहुत ज़्यादा तेज़ जल रहा है, ये अंदर से शॉर्ट है, इसकी वाइंडिंग शॉर्ट है। तो क्लैंप मीटर से आपको चेक करके कन्फर्म हो जाएगा आपको कि इससे इसमें क्या दिक्कत है। दोस्तों अब हम क्लैंप मीटर पर चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या दिक्कत है, क्या वाइंडिंग इसकी शॉर्ट है या नहीं है, और कैसे पता होगा कि ये शॉर्ट है कि नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए दोस्तों क्लैंप मीटर से कैसे चेक करते हैं, इसका चेक करने का यही तरीका है कि एक तो आप लगा लीजिए कॉमन पे और दूसरे वायर का लगाइए आप रनिंग के वायर पे, जो कि ये हमारी रनिंग की वायर है, ठीक है, इस पर लगाइए, देखिए 40 ओम बता रहा है ये, और उसके बाद लगाइए आप दूसरे वायर पे जो कि स्टार्टिंग का है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं 84 बता रही है, और 40 और 84। अभी अगर हम इसको देखना है कि हमारी मोटर में क्या दिक्कत है, कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों पे हमें लगाना है। आपने देखा 40 और 94 आ रहा था इसका, इसके ऊपर हमने जब लगाया तो इसके ऊपर 40 आ रहा था और इस पर 94 आ रहा है, देखिए सॉरी इस पर 40 आ रहा है और इस पर 94 आ रहा है। तो अभी हमें कैसे चेक करना है कि अंदर से कहीं शॉर्ट तो नहीं है, अगर शॉर्ट नहीं होगी ये मोटर तो इसके यहाँ पे 40 और 94 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कम हो रहा है, ठीक है, इन दोनों पे लगाने पे ये कम हो रहा है, यानी कि ये 61 हो गया। ये जो कॉमन है और ये कॉमन नहीं है, ये रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का ओम बताएगा, यहाँ से केवल आपको यहाँ पे रनिंग का कॉमन बताएगा और यहाँ पे आपका स्टार्टिंग का कॉमन बताएगा, लेकिन यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का इसका ओम बताना चाहिए,
ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस बताना चाहिए, लेकिन ये नहीं बता रहा है। यानी कि इसकी रनिंग और स्टार्टिंग आपस में कहीं पे शॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से ये ओम इसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं बन रहा है और वो दिक्कत दे रहा है मोटर को चलने में, जिसकी वजह से मोटर में हमारी स्पीड नहीं बन रही है। दोस्तों इस तरह से तो आपने जाना कि ये मोटर शॉर्ट है। अभी सही मोटर जो होती है उसका कितना ओम आना चाहिए, ठीक है। ये हमारी नई मोटर है, देख सकते हैं, मैं आज ही लेकर के आया हूँ इसको। देखिए आज की डेट डली हुई है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए इसके वायर को खोलते हैं, उसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर नई मोटर अगर हो तो उसमें कितना ओम आएगा, कितना रेजिस्टेंस आएगा उसके अंदर, ठीक है। देखिए सेम है इसमें भी कि इसके अंदर कॉमन की वायर यही है और इसकी ये रनिंग की वायर है और ये भाई स्टार्टिंग की वायर है। दोनों ये कंडेंसर के ऊपर चली जाएंगी, एक मेन इस पर लगेगा और एक मेन हमारा इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ऐसे कनेक्शन किया जाता है। चलिए इसके रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। कॉमन की वायर को हमने इस पर लगाया और एक हमने लगाया ये रनिंग के ऊपर, ठीक है। देखिए रनिंग हमारा 61 आ रहा है इसका, बराबर है। और स्टार्टिंग पे अब लगाते हैं, देखिए स्टार्टिंग आ रहा है हमारा 88, यानी कि 89 के आसपास है, ठीक है, 90 के आसपास है ये। तो 90 और 61 ये हमारा डबल हो जाना चाहिए जब हम इस दोनों पे लगाएंगे। ये दोनों मान लीजिए ये कॉमन हमने छोड़ दिया और इसके ऊपर हमने तार को लगाया और इसके ऊपर लगाया, अब ये दोनों का बताएगा रेजिस्टेंस, देख सकते हैं आप, क्योंकि उसमें 61 आ रहा था और अभी ये 150 के आसपास है, 149.9, ठीक है, 149.9 है। तो यानी कि ये दोनों का कॉमन ओम बता रहा है, दोनों का रेजिस्टेंस बता रहा है, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का। और इस तरह से जब हम चेक करेंगे, यहाँ पे जब चेक करेंगे हम, तो ये केवल एक का ही कॉमन बताएगा, ठीक है। देखिए 61 आ रहा है और यहाँ पे आपका 88 आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप मल्टीमीटर से भी अपने वॉशिंग मशीन की मोटर हो चाहे कोई भी मोटर हो, आप उसको चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से।